दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका स्टोर होता है यानी कि आप देखेंगे मेरा जो स्टोर है ssdigitalindia.com, ये मैंने विक्स पे अपने स्टोर को जो है क्रिएट किया हुआ है। और इसी में जो मेरे प्रोडक्ट हैं यानी विक्स पे आपने अगर अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है और उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी पोस्ट आप सोशल साइट्स पर अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, और पोस्ट क्रिएट करने के साथ ही आप अगर उनकी कोई वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं यानी एज ए स्लाइड जो चलती है उसका अलग अलग जो टेम्पलेट्स होती हैं विक्स के अंदर, और उसी का क्या प्रोसेस है यानी कि सोशल साइट्स के अंदर यदि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अगर आपका कोई चैनल होता है तो उस पर अगर आपके अपने प्रोडक्ट्स की आपको वीडियोज़ अपलोड करनी होती है तो अपलोड करने से पहले वो वीडियो क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है और उसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे विक्स के स्टोर पे, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा। तो ये देखेंगे मेरा स्टोर जो है ssdigitalindia.com है, और इसी में जो प्रोडक्ट है मैं इसी में आपको रेंडमली कुछ एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं उन्हीं का मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दिखाऊंगा। और यहाँ पर इसको डेमो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ विक्स पे, ये विक्स का जो डैशबोर्ड है और इसी के अंदर मैं अभी आपको एक वीडियो और पोस्ट जो है दोनों क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना मार्केटिंग पे। तो जैसे आप मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सामने ये ऑप्शन मिल जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके सोशल साइट्स पे अपने अकाउंट आपने क्रिएट कर रखे होते हैं तो उन सबको आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के साथ ही आप इसके अंदर वो इसकी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पे दी होती हैं यानी एक्सप्लोर ऑल टेम्पलेट्स यानी विक्स जो है अपनी कुछ टेम्पलेट्स ऐसी होती है जिनको कि आप सेलेक्ट करके और यहाँ से जो भी आपको सही लगता है उस टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसका प्रोसेस मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे ही आपका कोई भी अगर कैंपेन आपको रन करनी होती है तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्रिएट न्यू पोस्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पोस्ट, तो इस पर क्लिक करने के साथ ही अब आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होता है, और इसमें आपको क्या करना होता है कि जितने आपके अकाउंट होते हैं यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले मैंने अपने फेसबुक पे जो मैंने अपना अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है फेसबुक का, सेकंड नंबर पे ये इंस्टाग्राम का है, थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ये यूट्यूब का जो मेरा चैनल होता है उसका, यहाँ पर मैंने तीनों स्टोर को मैंने यहाँ पे जो है अपना कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपके भी अपने जो स्टोर में जो सोशल साइट्स के अकाउंट आपको अगर मैनेज करने होते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मैनेज सोशल अकाउंट्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन हो जाते हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, और इसके अलावा ट्विटर का भी जो होता है आपका वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे अभी आप देखेंगे तीन अकाउंट मैंने इसमें कनेक्ट किए हुए हैं, और तीनों अकाउंट्स में से सबसे पहले मैं बात कर लगता हूँ यहाँ पे फेसबुक की। फेसबुक के अंदर जैसे मान के चलो दोस्तों आपको कोई अपने प्रोडक्ट की जो है पोस्ट आपको क्रिएट करनी होती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट अगर आप अपलोड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है इस साइड में, अब इसमें क्या होता है कि कैप्शन के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी अगर अपना यूआरएल अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने स्टोर का जो यूआरएल है यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, कॉपी करने के साथ ही इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर ssdigitalindia यहाँ पे आ जाएगा। अब आने के साथ ही अगर आपको इसमें प्रोडक्ट अपने ऐड करने होते हैं तो यहाँ पे ऐड मीडिया होता है, ऐड मीडिया के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10 फाइल्स जो होती है वो आप यहाँ पे यानी फाइल्स का मतलब इमेजेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये एक इमेज ले ली, और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे ही है कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू आपके सामने ये जो इमेजेस होती है वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई से भी रेंडमली अगर आप लेते हैं, तो 10 इमेज आप देखेंगे 6 हो गई है, 4 इमेज मैं और ले सकता हूं और इन सबको मैं यहां पे पोस्ट कर सकता हूं, 8 यहां पे ये 9 और लास्ट की जो ये मेरी रहती है 10। तो ये 10 इमेजेस मैंने ले ली, और लेने के साथ ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड पेज। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड पेज करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी ये पोस्ट इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर ये तो हो गया फेसबुक के लिए, तो सेम प्रोसेस जैसे मैं इसमें कर देता हूँ पब्लिश। अब पब्लिश करूँगा तो इसमें और भी होता है कि अगर आप इसमें
ट्रैकिंग लिंक अगर देना चाहते हैं तो यानी आप अपनी वेबसाइट से भी अगर कोई ट्रैकिंग लिंक देना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वो भी आप इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पे होता है क्रिएट एआई टैक्स, अगर कोई आप देना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें टैक्स भी दे सकते हैं। तो अभी मैं इस तरह का कुछ भी नहीं दे रहा हूँ और सिंपल सा मैंने यहाँ पर इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो ये वाले जो कंटेंट मैंने अभी सेलेक्ट किया है, यानी कि जो मैंने पाँच ये 10 तरह की जो इमेज अलग अलग सेलेक्ट की है और इसे मैं कर देता हूँ, ये पब्लिश हो चुकी है। पब्लिश होने के साथ ही अगर मैं इसको कर देता हूँ गोट इट, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी फेसबुक पे अगर आता हूँ, जैसे फेसबुक का अकाउंट आप देखेंगे, ये वाला मेरा फेसबुक का अकाउंट है जो कि मेरा पर्सनल है और इसी के अंदर मैंने एक पेज बना रखा है अपना SS डिजिटल इंडिया का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये SS डिजिटल इंडिया। तो अब यहाँ पर वो पोस्ट जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देखेंगे कि मैंने अभी यहाँ पे स्टोर के अंदर आपको दिखाया था कि मैंने अपना SS डिजिटल इंडिया जो स्टोर था उसका मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। पेस्ट करने के साथ ही जो 10 इमेजेस आप देखेंगे जो मैंने सेलेक्ट की है वो सारी की सारी इमेजेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो सारी की सारी 10 वही इमेजेस हैं जो कि मैंने अभी आपको सेलेक्ट करके बताई है। तो इस तरह से आप अपना, ये तो हो गया फेसबुक पे जो है पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने विक्स के जो स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट आपके होते हैं ये। तो ये तो हो गया फेसबुक का एग्जाम्पल कि मैंने अपने प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट सीधा सा वहीं पे विक्स के स्टोर से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के साथ में जो इमेजेस मैंने सेलेक्ट की है उन सबको मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद में आते हैं कि यूट्यूब पे अगर आपका कोई चैनल है, जैसे कि मेरा अपना एक चैनल है और इसके अलावा एक सेकेंड चैनल और है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो है SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स का जो मैं बात करता हूँ, तो ये वाला जो चैनल है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने रेंडमली जो प्रोडक्ट मेरे पास आते हैं या मैं जो जिसको नया जब भी अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग वीडियो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अभी अगर मैं कंटेंट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो कंटेंट के अंदर आप देखेंगे कि कुछ इसमें शॉर्ट वीडियो भी है और इसके साथ ही कुछ लॉन्ग वीडियो भी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसे जो ये वाला यूट्यूब का मेरा चैनल है, इस चैनल को मैंने उससे कनेक्ट किया हुआ है विक्स के स्टोर से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं जो क्रिएट पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे क्रिएट न्यू पोस्ट, अब यहाँ पे मैं एज ए वीडियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि मैं वीडियो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप दोस्तों सेलेक्ट करेंगे अपना यूट्यूब, ये वाला जो होता है यूट्यूब, क्योंकि मैंने यूट्यूब के अंदर ही आपको अपनी वीडियो जो होती है आप उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर होता है वीडियो का टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे देना चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स। ये मैंने इसका टाइटल डिफाइन कर दिया और टाइटल डिफाइन करने के साथ ही यहाँ पर भी मैं कैप्शन के अंदर जो है अपनी जो वेबसाइट है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसमें वापस होता है एड मीडिया, एड मीडिया के अंदर भी आपको वही मैक्सिमम 10 इमेजेस आपको लेनी है अपने प्रोडक्ट की। और यहाँ पर मैं जाता हूँ एड मीडिया और इसमें जब मैं फाइल को सेलेक्ट करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर भी 10 इमेजेस जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 इमेज के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल जिस शेप में भी आप लेना चाहते हैं, जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलो स्टार्टिंग के अंदर मैंने एक इमेज ये सेलेक्ट की है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10, तो 10 इमेजेस मैंने यहाँ पे ले ली। और लेने के साथ ही अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट वीडियो। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसकी जो है वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वीडियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन देता है दोस्तों आपके, किसके लिए विक्स का वीडियो मेकर होता है और एक होता है वीमो क्रिएटर। तो यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे विक्स का भी लेते हैं तो विक्स का भी ले सकते हैं और वाइमो जो होता है इसका भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी एक आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर मान के चलो कि मैंने अगर विक्स का ले लेता हूँ तो विक्स के अंदर कुछ अपनी बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट्स होती हैं वो आप इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रिएट वीडियो। अब क्रिएट वीडियो के साथ में आपके सामने इस तरह का विजार्ड आ जाता है, ओपनिंग टेक्स्ट जो है आपका क्या लेना चाहते हैं जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो, तो कौन सा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ SS ओपनिंग के अंदर, और सेकंड के अंदर क्या होता है डिजिटल, और थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए इंडिया, यानी कि SS डिजिटल इंडिया। तो कंटिन्यू में आप देखेंगे पहले SS आएगा, फिर उसके बाद डिजिटल, उसके बाद इंडिया। और क्लोजिंग टैक्स आप लेना चाहते हैं कि क्लोजिंग के अंदर जो है क्या लेना चाहते हैं आप, क्लोजिंग टैक्स जो अगर देना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपनी वेबसाइट दे देता हूँ, या थैंक यू फॉर वॉचिंग, या कुछ भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टेक्स्ट के अंदर अपनी स्टोर का जो है URL मैंने दे दिया है, यानी कि वो वेबसाइट दिखेगी लास्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट,
अब इसमें आपने देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने वीडियो की जो स्टाइल होती है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो आपको देनी है, उसकी स्टाइल क्या लेनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे अलग जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू आपको, जैसे इसे पॉइंटर ले जाते हैं तो इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से ब्लॉक के अंदर आएगी ये और यहाँ पर इस तरह से चलेगा, ये वीडियो एज ए डेमो दिखा रहा है। तो इस तरह से आपकी जो स्लाइड आपने सेलेक्ट की है, सॉरी इमेजेस आपने सेलेक्ट की हैं, उनका व्यू आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा ये है। तो काफ़ी सारी इसके अंदर इमेजेस अगर आप देखते हैं तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर जैसे मैं मान के चलो ये वाली इमेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इमेजेस का मतलब ये वीडियो की जो स्टाइल होती है, इस तरह से जो है आपकी जो इमेजेस आपने सेलेक्ट की हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। तो मैंने अभी तक आप देखेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही इमेजेस हैं। तो मैं यहाँ पे अभी हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे मैंने ये वाला जो वीडियो की जो स्टाइल है ये मैंने सेलेक्ट की है, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के साथ ही अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको कोई अगर म्यूजिक आपको ले लिया है, म्यूजिक के अंदर भी आप कोई सा भी एक म्यूजिक अगर ले सकते हैं, जैसे आप इस पर प्ले करके देखना चाहते हैं तो कोई सा भी म्यूजिक, तो यहाँ से कोई सा भी म्यूजिक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सारे म्यूजिक भी आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो म्यूजिक आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये वाला म्यूजिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये इसमें बैकग्राउंड के अंदर जो है म्यूजिक ये वाला इसमें चल जाएगा। अब चलने के साथ ही मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना बिजनेस का लोगो यहाँ पे दे रखा है, बाय डिफॉल्ट अगर आप भी देना चाहते हैं बिजनेस का नेम आ गया, नेम के साथ ही मैंने वेबसाइट भी दे रखी है, और इसके साथ ही आता इसका स्लोगन आपका क्या होता है वो चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपने नंबर आप दे सकते हैं। और अब इसमें क्लोजिंग टेक्स्ट का जो होता है मैंने वहाँ पे भी अपना URL दिया था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई एंड प्रीव्यू, तो अब ये मेरी वीडियो जो है अभी कैप्चर हो जाएगी, होने के साथ ही मैं इसका डेमो भी आपको दिखाऊंगा और इसको लाइव मैं अपने चैनल पे जो है डायरेक्ट यहीं से सीधा पोस्ट करूंगा। तो ये वाला जो मैंने अभी वीडियो बनाया है ये सीधा सीधा मेरे जो चैनल मैंने अभी आपको दिखाया था SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स, उस चैनल पे ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। तो अभी जैसे ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के साथ ही अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए स्टार्टिंग का टेक्स्ट आप देखेंगे SS, उसके बाद में डिजिटल इंडिया आएगा, ये डिजिटल, थर्ड नंबर पे आएगा इंडिया, ये इंडिया आ गया। और ये प्रोडक्ट में आप देखेंगे म्यूजिक भी आ गया, स्लाइड का जो प्रीव्यू मैंने आपको दिखाया था वो प्रीव्यू भी आप देखने को मिल रहा है। तो ये एज ए डेमो यानी कि कुछ 25 सेकंड की ये वीडियो है, क्लोजिंग टेक्स्ट आप देख सकते हैं, और ये मेरे जो लास्ट में जो कंटेंट मैंने आपको दिखाए थे वो सारे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड शेयर। जैसे मैं इसको सेव एंड शेयर पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट जो मैं इसको पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब का मेरा चैनल था उसको मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये डायरेक्ट उस पर जो है ये पब्लिश हो जाएगी। जैसे अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग होने के साथ ही जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यानी कि विक्स पे आपके जितने प्रोडक्ट होते हैं उन सबको आप अपने जो सोशल जितने भी आपके साइट्स या प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब पे कनेक्ट करके अपने जो नए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप उन पे शेयर भी कर सकते हैं, पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पे आ गया डाउनलोड फाइल। जैसे अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये एज ए वीडियो, वीडियो फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि ये फाइल पूरी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब आपके सामने अलग अलग ऑप्शन होता है फेसबुक और यूट्यूब। अगर आप इसको फेसबुक पे अपना MP4 फॉर्मेट के अंदर इसको डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फाइल की अगर मैं डाउनलोड मैंने की है, अगर इसका मैं प्ले करके आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, तो अब यहाँ पर इसमें प्ले करूँगा तो जो मैंने अभी आपको 25 सेकंड की जो वीडियो बनाई है वही इसके अंदर ये भी प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे ये, तो बाकी की जो और भी स्टाइल्स होती हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के साथ ही मल्टीपल स्टाइल्स होती हैं, इसके अंदर टेम्पलेट्स होती हैं, काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलती है। तो ये फ्री की है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करना है। तो इस तरह से जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए आप वीडियो इसमें क्रिएट कर सकते हैं विक्स के अपने स्टोर में। हम लास्ट का प्रीव्यू भी मैं दिखा देता हूँ आपको, तो लास्ट में आप देखेंगे कि लास्ट का अभी इसके अंदर शो नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में भी जो कंटेंट मैंने उसमें सेव किए थे वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया कि मैंने डाउनलोड करके दिखा दिया। अब इसको अगर मैं फेसबुक पे कर लेता हूँ, जैसे मैंने फेसबुक पे किया तो ये फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगी। अब पोस्ट होने के साथ ही कंटिन्यू आपका जो भी अकाउंट लॉगिन होता है उसी के साथ आपको करना होता है, तो इसको आप कंटिन्यू कर देंगे और ये वाली जो पोस्ट होगी उसके अंदर आपका
पोस्ट हो जाएगी आपके इसके अंदर। तो कंटिन्यू, जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट होता है उसी के नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और ये इसमें फेसबुक पे ये पोस्ट हो गई है। नाम आप क्या देना चाहते हैं इसमें, जैसे वीडियो का जो टाइटल है वो आप अगर SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ठीक है URL मेरा यहीं पे ठीक है, और इसको मैंने कर दिया अपलोड नाउ, तो ये फेसबुक पे सीधी अपलोड हो जाएगी। ये फेसबुक पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया, करने के साथ ही अब मैं कर देता हूँ यूट्यूब। अब यूट्यूब के अंदर भी मैंने अपना चैनल जो आपको दिखाया था उसके अंदर मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, जैसे मैं ये वाला जो ईमेल आईडी है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये इस ईमेल एड्रेस पे जो मेरा चैनल है, यानी जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाया था वो इसी मेरी ईमेल आईडी से जो है उसको मैंने क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिक ये जो वीडियो होती है उसके अंदर पब्लिश हो जाएगी। अब मैं इसे कर देता हूँ कंटिन्यू, यानी कुछ परमिशंस आपको देनी होती है, और यहाँ से आपको क्या करना होता है, अलाउ करना होता है कि आप जो अपनी वीडियोस को आप अपलोड करते हैं तो उसकी परमिशंस आपको यहाँ से देनी होती है। अब यहाँ से भी मैं इसमें दे देता हूँ इसका टाइटल क्या देना चाहते हैं, सेम वही SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट, मैंने इसका टाइटल डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के साथ ही मैं इसे भी कर देता हूँ अपलोड नाउ। तो अब ये वाला क्या होता है, मैंने YouTube पे भी आपको दिखा दिया और Facebook पे भी मैंने दिखा दिया। अब मैं वापस अगर आपको कंटेंट जो मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर, तो ये वाला जो चैनल था, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो वो जो कंटेंट मैंने अभी पोस्ट किया था वो आपको यहाँ पर इस चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भी प्रोसेसिंग जो है अभी चल रही है, तो जैसे मैं इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर मैं आपको उसको इस चैनल पर भी आपको उसको प्ले करके दिखा दूंगा कि डायरेक्ट मतलब आपको क्या करना होता है, विक्स पे आपने कोई भी अपने सोशल साइट्स पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको शेयर करने का जो प्रोसेस होता है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ ही आप उसको डायरेक्ट आपका जो चैनल्स होता है उसमें आप पब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यूट्यूब पे इसको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने उसका टाइटल डिफाइन किया था SS डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरा जो है, जो मैंने वीडियो भी आपको 25 सेकंड की जो वीडियो बनाई थी वो YouTube पे अभी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। इमेजेस आप देख रहे हैं, स्टाइल आप देख रहे हैं, तो सारा सब कुछ जो भी कंटेंट अगर आप देते हैं, यानी जिस तरह से अभी इसके अंदर केवल आपको जो है 10 इमेजेस का जो होता है ये ऑप्शन इसमें होता है कि मल्टीपल इमेजेस आपको नहीं है इसमें, कुछ सेलेक्टेड जो इमेजेस होती हैं वही इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो बैक टू प्रीव्यू पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे अगर बैक टू एडिटर पर आके और भी आप इसमें एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो चीज भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये तो दोस्तों हो गया कि सोशल साइट्स पर अगर आपको कोई भी अपने विक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोसेस क्या था। अब लास्ट में देखेंगे कि मैंने जो ओपनिंग टेक्स्ट दिखा दिया आपको और इसमें जितने भी थे लास्ट में, जैसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे एक्टिव नहीं किया था। तो यहाँ पर जैसे मैं अगर इसको एक्टिव कर देता हूँ तो एक्टिव के अंदर जो लास्ट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो ये वाली की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट के अंदर जो होती है, यानी कि जो मैंने भी लास्ट में आप देखेंगे मेरे वेबसाइट का URL दिख रहा था, URL की जगह आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही मैं इसको वापस करूँगा तो लास्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि विक्स पे आप अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सोशल साइट्स पे किस तरह से आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट इसके अंदर बता दिया। तो इस मेथड को आप फॉलो करके अपने विक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप सोशल साइट्स पर पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।